परिचय देते बताइए कि आज देख रहा हूँ कि कई गांव में घूमे हैं आप टीम बनाकर करके, क्या करना चाहते हैं आप? सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हैं। मेरा नाम कपिल देव केसरी है और एक संस्था है पूर्वांचल ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान बारा चौर गाजीपुर, जिसका मैं संस्थापक सचिव हूँ। और हम लोग बालिका शिक्षा को लेकर के लंबे समय से कार्यरत है। हम लोग आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है देश भर में, और बालिका शिक्षा दिवस के अवसर पर हम लोगों ने लड़कियों की तरफ से माननीय देश के जो प्रधानमंत्री जी को एक पोस्टकार्ड अभियान चला रहे हैं, और उसमें यह मांग किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी से कि जो 3 से 18 साल की जो लड़कियां हैं उनको शिक्षा पूरा कराया जाए 18 साल तक का। दूसरी जो मांगे हैं वो कि सभी लड़कियों को छात्रवृत्ति प्रदान किया जाए ताकि वो आर्थिक तंगी के कारण वो अपनी स्कूल न छोड़ सके। और चौथा जो मांगे हैं कि हर 5 किलोमीटर के दायरे पर एक माध्यमिक स्कूल की स्थापना किया जाए ताकि उसके अभाव में लड़कियां पढ़ाई से दूर न हो जाएं, वंचित न हो जाएं। और जो चौथी प्रमुख मांगे हैं कि लड़कियों खासतौर से आने और जाने में जो उन्हें असुरक्षा महसूस होती है, सरकार उनके लिए मुकम्मल सुरक्षा का प्रबंध करे ताकि वो पढ़ाई से दूर न हो सके। इन्हीं मांगों को लेकर के जो लड़कियाँ हैं उनसे हम लोग उनको पढ़ के सुना रहे हैं, और वो सहमति बड़े पैमाने पर समर्थन लड़कियों का मिल रहा है कि ये बात सच्ची बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रहे हैं। शायद उस योजना से ही हमारी मांगे और मजबूती से लागू होगी, क्योंकि शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुआ है तो उसी कानून के तहत हमारी मांगे हैं। ये हमारी मांगे न्यायचित है, जो सरकार के जो कानून है उसी के तहत हम लोग मांग कर रहे हैं, और बड़े पैमाने पर लड़कियां समर्थन कर रही हैं, समुदाय के लोग भी समर्थन कर रहे हैं कि नहीं अच्छी बात है। और लड़कियों के लिए खासतौर इसलिए कर रहे हैं कि भाई हम लोग नारा लगाते हैं कि एक लड़की पढ़ेगी 7 पीढ़ी तरेगी, तो और जो लिटरेसी रेट है, जो बालिकाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव होता है, उन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग संवेदित हैं और चाहते हैं कि अगर एक लड़की पढ़ेगी तो दुनिया परिवार के साथ पूरे देश का नाम रोशन करेंगी। उसी अभियान का एक हिस्सा है कि हमारी आशा विश्वास करते हैं कि प्रधानमंत्री जी हमारी जो बच्चियों की जो मांगे हैं उसको लागू करेंगे, और ये जो उनका जो अभियान है उसको सख्ती से लागू करने में, खासतौर से जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है उसको मजबूती मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। परिचय देते बताइए कि आज आप लोग गांव गांव में घूम कर करके क्या अभियान चला रहे हैं? मेरा नाम जयप्रकाश प्रजापति और मैं सोशल वर्कर हूं, और एक ऐसा देखने को मिल रहा है कि बच्चियां जो हैं कम समय में ही बहुत कम एजुकेशन ले पाती हैं, आर्थिक तंगी की वजह से, सुरक्षा की वजह से उनको संरक्षण नहीं मिल पाता है, डर के माहौल में जीती हैं इसलिए पढ़ाई नहीं कर पाती हैं, स्कूल दूर होने के वजह से भी कुछ बच्चियां पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं। इसलिए हम लोगों ने एक अभियान चलाया कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अभियान चलाया है अपनी तरफ से कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको सार्थक सिद्ध करने के लिए हम लोगों का ये अभियान है कि बच्चियां जो है जागरूक हों और अपनी बात प्रधानमंत्री तक पहुँचाएँ कि हमें ये चीज़ें चाहिए ताकि हम अच्छी पढ़ाई कर सकें और उनकी शिक्षा भी मुफ्त कराई जाए। 1 से लेकर 14 साल तक तो मुफ्त शिक्षा है, लेकिन उसमें बच्चियां ग्रेजुएशन नहीं कर पाती हैं ना इंटरमीडिएट तक पढ़ पाती हैं, इसलिए वो भी उसमें लागू करके उनको 18 साल तक मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था भी कराई जाए। आप अपना परिचय देते बताइए कि आज आप गांव में घूम घूम के क्या काम कर रही हैं? मैं सम्स मॉडल स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, मेरा नाम राधा खातून है, और मैं बालिकाओं की शिक्षा के ऊपर हम लोग एक अभियान चला रहे हैं, और मोदी जी को हम लोग जो है प्रधानमंत्री जी को लेटर हम लोग अपने बच्चियों के माध्यम से हम लोग पहुंचा रहे हैं। हमारी मांगे हैं कि 3 से 18 साल की बच्चियों के लिए मुफ्त शिक्षा हो, हर 5 किलोमीटर पर एक जो है माध्यमिक स्कूल कायम की जाए और बच्चों को सुरक्षा के इंतजाम किया जाए कि बच्चियां जो है अपना जो है पूरी जो है विश्वास के साथ स्कूल आ जा सकें।